हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये देखिए मेरे कटिंग से लगे हुए एडेनियम में ये फ्लावर खिलने वाला है। तो आज मैं आपको, मैंने जो सीड ग्रो किए थे एडेनियम के, उसके 7 दिन पूरे हुए हैं। तो आज इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि कैसा रिज़ल्ट मुझे मिला है एडेनियम सीड ग्रो करने का। तो वही आपके साथ शेयर करूंगा कि कितने सीड जर्मिनेट हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं, और क्या गलती हुई और क्यों इतने सीड ग्रो नहीं हुए हैं, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखिए मेरे एडेनियम सारे अब ग्रोथ पे आ गए हैं, गर्मियाँ जैसे स्टार्ट हुई। तो चलिए हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। ये देख सकते हो आप, ये मैंने पॉलीथीन से कवर किया। अभी ये लगभग दो दिन जितना हुआ मैंने इसमें पॉलीथीन लगाई, बाकी 3-4 दिन तो ऐसे खुला ही पड़ा रहा था। तो पॉलीथीन लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि मैं हटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। ये थोड़ा सा लेट हो गया और आप देख सकते हो यहाँ पे मिट्टी ऊपर आ रही है। यहाँ पे ये देखिए एक सीड और निकला है और ये सब मिट्टी यहाँ से ऊपर आ रही है। धीरे धीरे करके एक एक सीड बाहर आ रहे हैं। तो लगभग 7 दिन का रिज़ल्ट है। ऐसा इसलिए हुआ, मैं जब भी ग्रो करता हूँ लगभग 5-6 दिन में ग्रो हो जाते हैं। इस टाइम मैंने जब ग्रो किया इसको तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई हमारे यहाँ, और मैं इसके ऊपर कुछ कवर करना भूल गया था, पॉलीथीन या कुछ कवर नहीं किया मैंने, ऐसे ही रख दिया था। तो इसी वजह से ये थोड़ा लेट हो गए। जब ठंडक और नमी बनी रहती है तो उसी वजह से ये जल्दी ग्रो हो जाते हैं, पर थोड़ी हीट हो गई गर्मी तो थोड़े लेट हो गए, पर धीरे धीरे करके ये एक एक सीड निकल रहे हैं। तो मैं और एक हफ्ते बाद आपको दिखाऊंगा कि इसमें से कितने सीड मेरे ग्रो हुए। ये देखिए यहाँ पे मिट्टी ऊपर दिख रही है आपको, ये यहाँ पे तो धीरे धीरे करके सीड निकल रहे। तो एक हफ्ते बाद वापस मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सीड टोटल ग्रो हुए। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।